नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश करते के प्रमुख खबरों को। बिहार लोक सेवा आयोग के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संबोधन के दौरान कहा है कि बीपीएससी के खाली पद भरने की बात कही है। वहीं सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि बीपीएससी के सदस्यों के 3 खाली पदों को अगले 5 दिनों के अंदर भरा जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में बंपर मार्क्स और इंटरव्यू में कम मार्क्स वाले अभ्यर्थियों पर भी नजर रखा जाए। शिवसेना नेता संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद संजय राउत ने पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। साथ ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप लगे हैं। जीएमसीएच पूर्णिया में शनिवार को कैंसर डे केयर एंड कीमोथेरेपी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। अस्पताल का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह के हाथों से किया गया। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार, जिलाधिकारी सुहर्ष भगत एवं मेडिकल कॉलेज के सभी वरीय अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित थे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि बिहार सरकार राज्य के सभी प्रमंडलों में कैंसर हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर खोल रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया का कैंसर अस्पताल है। शहतूत एक प्रकार का भारतीय मेलबेरी है, जो देखने में गाढ़े रंग और खाने में बिल्कुल नर्म और खट्टे मीठे स्वाद वाला होता है। कई बार ये लाल रंग का दिखता है तो कई बार इसका रूप रंग बैंगनी भी नजर आता है, लेकिन शहतूत में कई ऐसे गुण मौजूद है जो कई बीमारियों के लाभदायक हैं। बता दें कि इसमें विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में पाया जाने वाला यह फल अपने शीतल गुणों के लिए जाना जाता है। शहतूत का उपयोग बुखार, अपच और गले में खराश जैसे विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। बिहार के सासाराम और नालंदा में हुए सांप्रदायिक घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए इसे साजिश करार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी तक बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ऐसी घटना घटी? निश्चित रूप से ही यह किसी न किसी साजिश दिखाई पड़ती है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाएगा और जांच के साथ साथ उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय एजेंसियों के उन अफसरों का नाम बताने की चुनौती दी है जिनके ऊपर शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी को फेक एनकाउंटर केस में फंसाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। बता दें कि अमित शाह ने बुधवार को कहा था कि यूपीए सरकार के दौरान फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई ने उनके ऊपर दबाव बनाया था। बिहार के सासाराम बिहार शरीफ शुक्रवार को हुई घटना को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र सिंह गंगवार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सासाराम और बिहार शरीफ में सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में एहतियातन डेरा डाले हुए और भारी संख्या में बलों की तैनाती भी बरकरार रखी गई है। भारत ऐसे देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने को तैयार है जो डॉलर की कमी या मुद्रा की विफलता का सामना कर रहे हैं। वाणिज्य सचिव सुनील वर्तवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार रुपये में भुगतान की प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। बिहार के युवाओं में सिविल सेवा को लेकर एक अलग ही क्रेज नजर आता है, लेकिन कुछ युवा इस धारणा को तोड़कर कंपनियां भी खड़ी कर रहे हैं। इनमें से एक हैं शशांक कुमार। उन्होंने महज 24 साल की उम्र में 4000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी की है। वह अपने इस स्टार्टअप की मदद से किसानों की मदद कर रहे हैं। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। यह एक खुशी की बात है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए अन्य योजना प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 31 मार्च 2023 के साथ ही बंद हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक बार फिर से नौकरी व इंटर्नशिप के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। डीयू के सेंटर प्लेसमेंट सेल अप्रैल में ऑफलाइन मोड में जॉब व इंटर्नशिप मेला आयोजित करने जा रही है। यह शैक्षणिक सत्र 2022-23 का आखिरी प्लेसमेंट सेशन होगा। जॉब मेले के लिए अब तक 24 से अधिक कंपनियां पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें करीब 50 से अधिक कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कारण से छात्रों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। कोलकाता में एक 61 साल का शख्स माइकोलॉजिस्ट कवक के होने वाली प्लांट फंगल डिजीज से संक्रमित मिला है। इस बीमारी से ग्रसित होने वाली यह दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। यह ऐसा पहला केस है जिसमें आमतौर पर पौधों पर शोध करने वाला कोई व्यक्ति ही पौधों से ही संक्रमित हुआ है। इससे यह पता चलता है कि पौधों के फंगस के पास जाने पर पौधों के संक्रमण इंसानों में भी फैल सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण सभी प्लेटफॉर्म के लिए खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के सिद्धांतों से बना है। जोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर किए गए सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने यह बयान दिया है। अपने ट्वीट में राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि अगला डिजिटल इंडिया एक्ट इसे स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण कानून होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रोजेक्ट टाइगर की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि 27 मार्च 2023 को चिपको आंदोलन की 50वीं सालगिरह मनाई गई थी। पर्यावरण के लिए ये मील का पत्थर साबित हुआ था। चिपको आंदोलन से देशवासियों में अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 अप्रैल को कर्नाटक के कोलाड में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह 11 अप्रैल को वायनाड का भी दौरा करने वाले, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर होंगे उस दिन राज्य का दौरा करने वाले हैं। उस दिन राहुल गांधी कर्नाटक में चुनावी मैदान में उन्हें घेरने की तैयारी भी करेंगे। कांग्रेस के भीतर नवजोत सिद्धू की वापसी को लेकर कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी के पुराने दिग्गज पहले ही कांग्रेस नेतृत्व से मांग कर चुके हैं कि बाहर से आए नेताओं को ज्यादा तवज्जो ना दिया जाए। वहीं कई बार नवजोत सिद्धू के अधिकतर नेताओं के साथ संबंध भी अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ओडिशा दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ओडिशा में देश की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बनने की क्षमता है। मुर्मू ने ट्वीट किया कि ओडिशा दिवस के मौके पर सभी नागरिकों को, विशेष रूप से राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के अलावा कुशल एवं मेहनती श्रम बल होने के कारण ओडिशा में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बनने की क्षमता है। राज्य के लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सऊदी अरब, जो एक समय में कभी पाकिस्तान का जिगरी हुआ करता था, अब उसके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। दरअसल भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। समझौते के बाद रॉ को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया। इस पर रिएक्शन देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि लोग पीएम के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं ले सकते हैं, इससे देश अस्तबद्ध है। उन्होंने कहा है कि किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। दिल्ली से देहरादून और फिर देहरादून से गंगोत्री तक बन रहे एक्सप्रेसवे समेत 3 सड़क मार्ग के साथ साथ 4 टनल प्रोजेक्ट से आने वाले कुछ सालों में लोगों की यात्रा काफी आसान होने वाली है। महज 7 घंटों में लोग दिल्ली से देवभूमि उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। मौजूदा वक्त में दिल्ली से गंगोत्री तक 525 किलोमीटर की यात्रा में 15 घंटों का समय लगता है, जो इन प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लगभग आधा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले 4 साल में ये सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले पर भारत राज समिति के नेता और तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने की तंज कसा है। रामा राव ने अपना डिग्री सर्टिफिकेट ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा है कि उन्हें खुद के एजुकेशनल सर्टिफिकेट शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्रियां शेयर करते हुए पीएम मोदी की आलोचना की है। टोयोटा की गाड़ियों को इंडियन मार्केट में काफ़ी प्यार मिल रहा है। कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार इनोवा कुछ समय पहले हाई क्रॉस के नाम से एडवांस फीचर के साथ लॉन्च हुई थी, जिसका असर मार्च में बिकने वाले टोयोटा की गाड़ियों पर पड़ा। मार्च में कंपनी ने 18,670 यूनिट कारों की बिक्री की, जो 9% सालाना वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा कंपनी ने मार्च 2022 में घरेलू बाजार में 17,131 यूनिट्स की बिक्री की थी। राजस्थान के जयपुर ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने के साथ यह मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। एक तरफ विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, वहीं राज्य सरकार ने पूरा ठिकरा अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव यादव पर फोड़ते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। कहा है कि इसी मामले की पैरवी के लिए उन्हें हायर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अब सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नई सूचना व्यवस्था को आकार और रूप देने में समान भागीदार होना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने यहां भारतीय सूचना सेवा के 2018-19 और 2020 बैच के अधिकारियों के समापन सत्र को संबोधित किया था। एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में आहार नली के कैंसर से जूझ रहे मरीज की बेहद गंभीर सर्जरी की गई है। डॉक्टरों की टीम ने पेट की आंत का उपयोग कर कृत्रिम आहार नली बनाकर मरीज को नया जीवन दिया है। यह सर्जरी इसलिए भी जटिल और रोचक है क्योंकि मरीज के सीने, पेट और गले पर 3 अलग अलग प्रोसीजर महज 4 घंटे में पूरे किए गए। मार्केट में 500 के 2 तरह के नोट मिल रहे हैं और दोनों ही नोटों में बहुत कम अंतर है। इन दोनों में से एक तरह के नोटों को नकली बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक नोट को नकली बताया गया है। वीडियो के फैक्ट चेक के बाद यह पता चला कि वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। बाजार में चल रहे दोनों ही नोट
असली हैं। आपके पास 500 के नोट यदि आते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने कहा है कि दोनों तरह के ही नोट मान्य हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MD साकिर हुसैन, HK मल्होत्रा, बाबूलाल मरांडी, नुन्नू गोलू कुमार, त्रिलोक कुमार, अंशुप्रिया और नौसाद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हाल ही में देश में कई नेताओं द्वारा एक दूसरे के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करने वाले मामले सामने आ रहे हैं, आपके अनुसार यह कितना सही है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।